Hey viewers, तो अभी हम पहुंच गए हैं जिसे कहते हैं पोंट लुइस पोंट पोर्चुगीज में ब्रिज ब्रिज को कहते हैं और लुइस जो है वो नाम है उसका तो मेट्रो अभी आ रहे हैं जिसमें मैंने बोला भी आप लोगों को कि ये ब्रिज जो है ये तामीर हुआ है 1886 में और पहले इस पे जो ट्राम चलती थी वो कंबस्टन इंजन थी अभी इलेक्ट्रॉनिक इंजन है तो ये ब्रिज जो है इस पे ऊपर लोग भी चलते हैं और मेट्रो भी चलती है और इससे पूरे जो सिटी है उसकी व्यू आपको दिखाई दे सकती है जो मेन सेंट्रल व्यू है और पीछे जो दरिया है और ये दरिया फिर मिलती है आगे सी के साथ जो अटलांटिक ओशन है दिखा सकते हैं आपको मेरे भाई आप लोगों को दिखा सकते हैं यहाँ से और दूसरी चीज़ ये है कि ये ब्रिज की खसूसियत ये भी है कि ये ब्रिज जिस इंजीनियर ने तामीर की थी वो इंजीनियर ने जो पेरिस का जो एफिल टावर है उसने भी ये ब्रिज सेम दोनों ने ही सेम इंजीनियर ने तामीर की है हम जो खड़े हैं अभी गाया में खड़े हैं जो सिटी है और सामने ब्रिज जो है आप इसको पार कर सकते हैं बाई पैदल आप जा सकते हैं और मेट्रो से आप जा सकते हैं यहाँ पे तो आगे फिर पोर्टो सिटी है नीचे जो आप देख सकते हैं इसके ब्रिज के नीचे एरिया जो है वो गाड़ियों के लिए है और पैदल भी पार कर सकते हैं और नीचे से बोट भी निकलती है इधर से मतलब गुजरती है बोट वगैरह और यहाँ पे डॉक है सामने नीचे जो एरिया है दिखाओ उसको साइड पे घुमा के थोड़ा सा मेरे से शुगर को हटाओ बटन से इधर फिर थोड़ा सा घुमाओ उसको मेरे पीछे घुमा तो मैं लेता हूँ तो अभी मैं दिखाऊँगा आप लोगों को ये जो सामने आप लोगों को हम वैसे नीचे भी जाएंगे भी देखते हैं टाइम मिला तो इधर डॉक आती है और यहाँ पे स्पेन से लोग आते हैं क्योंकि इस रिवर से फिर रास्ता जाता है तो फिर लोग स्पेन से भी इस शिप से लोग आते हैं विजिटर जो है और ये खूबसूरत सी व्यू है जो मैंने आप लोगों को बताया भी और ये असल में सात ब्रिज है सामने आपको जो ब्रिज दिखाई थोड़ा दूर है नज़र आ रही है ये ब्रिज सामने वाली वो उस पर गाड़ी मतलब चलती है और ये ब्रिज अभी पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस हुई है जो सामने वाली मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ अगर जूम हो सकता हो एक मिनट मैं जूम करूँगा ये जो ब्रिज है एक सेकेंड हाँ तो ये ब्रिज जो है ये असल में ऐसी ब्रिज अभी तामीर हुई है पाकिस्तान में इसका फ़ायदा खसूसियत ये है इस ब्रिज का कि असल में प्रॉब्लम क्या होता है कि पानी जब आती है जब ज़्यादा बारिश होती है तो फिर जो पिलर्स होते हैं ना उनको बहा लेके जाती है तो इसका फ़ायदा ये है कि पानी इसके नीचे से गुजरती है अगर पानी ऊंचा भी आता है तो इनके में पिलर नहीं होते पिलर जो है ना ये पिलरलेस मतलब आप ये ब्रिज बनते हैं इसके दूसरे साइड पर भी आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं इधर साइड पर भी थोड़ा सा लाइट अगर मैं इसके लाइट को थोड़ा सा लेकिन ये लाइट फिक्स है अभी मेट्रो जो आई है तो ये अभी गुजर रही है गाया के साइड से अभी गुजर रही है पोर्टो की तरफ फिल्टर हो रही है हाल ही में एक मूवी भी बनी थी जिसमें इन लोगों ने यहाँ पे शूट किया था जो एक एक्टर था उसने छलांग लगाई थी हृतिक रोशन और क्या है टाइगर श्रॉफ वॉर मूवी में भी अभी इस ब्रिज पे यहाँ पे इन्होंने शूट किया था पोर्चुगल में शूट की हुई थी तो फिर पोर्टो में आए थे तो यहाँ पे इस ब्रिज से भी शूट किया हुआ था उन्होंने बाकी फिल्म तो है वो लिस्बन में बनी थी तो अभी ये जो है यही है और खूबसूरत सा व्यू है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ से तो हमारे साथ रहिएगा आगे मजीद दिखाएंगे तो अभी हम पार कर रहे हैं इस ब्रिज को बाई फुट तो पैदल पार कर रहे हैं अभी हम इस ब्रिज को तो हम अभी गाया से इंटर होंगे पोर्ट ना
अभी हम इंटर हो रहे हैं लाइट कम हो गई है गाया से पोर्टो में तो अभी हम इंटर हुए गाया से पोर्टो में क्रॉस कर दिया तकरीबन 5-6 मिनट्स लगे क्रॉस करने में अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स तो अरे भाई आपका नाम मैं बोलूँ हकीम भाई से मिले तो भाई मेरा चार्ज खत्म हुआ तो ये अभी माशाल्लाह दोनों से मिले बहुत बातें हुई इनसे थोड़ा मोबाइल को रिचार्ज किया ये जो चार्ज चेन है हाँ मोबाइल को तो यहाँ पे है पोर्टो में बांग्लादेश से दोनों भाई हैं और मिलकर खुशी हकीम भाई और आरिफ भाई के साथ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब किया अभी अच्छे अच्छे वीडियो देखेंगे जब मैं कहाँ पर जाऊँगा कहिए ना और दुआ करते हैं कि आप लोग अल्लाह ताला खुश रखे इंशाल्लाह जब आएंगे फिर मुलाकात होगी जो भी तमन्नाएं वाला पूरा करें हमें तरफ से और मेरे साथ में शॉप भी दिखाऊंगा घुमाऊंगा इसको तो आ सकते हैं लोग यहाँ पे टूरिस्ट आइटम है ऐसे मतलब सारे टूरिस्ट आते हैं वर्ल्ड से घूमते हैं मैंने कभी भी काम किया था बंगाली भाई के साथ जब मैं यहाँ पे था रहता था और पढ़ाई करता था तो ये सारा जो आपको सेटअप दिखाई दे रहा है ये पोर्चुगल में जो पोर्टो हमारी सिटी है उससे रिलेटेड मतलब इन पे जो डिज़ाइन बने हैं अगर आप देखें कमीज़ोला जैसे पुर्तगेज में कमीज़ा कहते हैं कमीज़ोला कहते हैं और बिल्कुल फिर बैग्स वगैरह है मुशीला उसको कहते हैं पोर्चुगीज़ में बहुत सारे सुवेनियर्स हैं तो ये सारे चीज़ें जो है ना ये टूरिस्ट आते हैं वर्ल्ड से और ये लोग देखते हैं यहाँ पे देखने के लिए आते हैं फिर कुछ ख़रीदते हैं और फिर जाते हैं चलो मैंने इधर आके मैं चलो ये भी थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो हमारे साथ रहिएगा और मज़ीद आप आगे बढ़ेंगे और आप लोगों को दिखाएँगे तो अरे भाई हकीम भाई अल्लाह हाफिज़ खुश रहें और मेरी वीडियो देखा करें इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी सही है पता चलेगा कि मैं कहाँ पे हूँ इंशाल्लाह अगर जिंदा रहे ठीक है अल्लाह खुश रखे आबाद रखे अस्सलाम वालेकुम अल्लाह हाफिज़